भारी विरोध के बाद भी हटा अतिक्रमण, भाजपा नेताओं की ओर से अधिकारियों में तीखी नोकझोंक। यूपी के रामपुर में सिविल लाइंस इलाके में ज्वालानगर स्थित आगामपुर रोड में प्रशासन ने आज अतिक्रमण अभियान चलाया और रोड के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें भाजपा नेताओं प्रशासन के लोगों को तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लेकिन प्रशासन ने विरोध करने वालों की एक नहीं सुनी। जिन लोगों ने रोड के दोनों अतिक्रमण पर रखा था, उन पर जेसीबी, घर, किसी भी मकान, किसी का भी खोखा, किसी की भी दुकान जेसीबी के निशाने पर थी। लोग प्रशासन की विनती करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी। सिविल लाइंस के आधार पर बोर्ड पर प्रशासन के एक बड़े नाले का निर्माण करना है, जिसको लेकर नाला निर्माण में यह अतिक्रमण बांधा हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने कई बार स्थानीय लोगों को चेताया था, लेकिन नहीं सुनने पर प्रशासन ने अपने तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। आज अतिक्रमण चला है अभियान, कहाँ क्षेत्र में कितनी दुकानें रहेंगी? ये आगापुर रोड पे नाला बनाया जा रहा है, तो नाले की जमीन पर सब तमाम लोगों ने अपने अतिक्रमण करके अपने दुकानें और वो चीज़ें बना रखी थी, तो उनको सबको आज हटवाया गया और नाले को जिससे निर्बाध रूप से बनवाया गया।